गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू टूरिस्ट ब्लॉग। एंड आज हमने कहाँ जाना है भाई? तीन चार जगह, मेन जगह रोहतांग है। रोहतांग जाएंगे, आज हम रोहतांग जाएंगे। गाड़ी हमने बुक करवा ली है। ये थोड़ी पीछे गाड़ी है, पीछे। अरे पीछे वाली सफेद कपड़ा, ओ कौन सी गाड़ी है? इनोवा है, इनोवा क्रिस्टा है ना, देखी तो आएगी। Really, nigga? ये देखो, हमने मैंने कोट पहना है, इसने एंड पापा ने पहना हुआ है। सुबह के 6 बज रहे हैं, कोट कूट ऊपर आ चुके हैं, बाकी आगे देखते हैं क्या बनता है। Stay tuned। अब मनाली के रूम से निकलने के बाद हम सीधा ट्रैवल करते हैं रोहतांग के लिए। अब रूम से रोहतांग तक का रास्ता कुछ इस टाइप का है। तो इसलिए हम कैब बुक करना ही प्रेफर करते हैं। एंड ये रोहतांग तक की टैक्सी सर्विसेज आपको मनाली की मॉल रोड पे इजीली देखने को मिल जाएंगी। हाँ, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, बट अगर आप मनाली तक आए हो तो रोहतांग जैसी ब्यूटीफुल जगह पे जाना तो बनता ही है। सो नाउ द एडवेंचर बिगिंस। नाउ रोहतांग में पहनने के लिए स्नो सूट एंड स्नो शूज़ आपको रेंट पर लेने पड़ेंगे, जो कि मनाली से रोहतांग तक के रास्ते में आपको आपका ड्राइवर प्रोवाइड करवा दे। एंड वहां जाकर आपको कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करनी है ये आपको आपके ड्राइवर से बात करके बुक करवा लेनी है। एंड रास्ते में जाते जाते हमें भूख लग गई, सो आवर ड्राइवर स्टॉप द कार फॉर द ब्रेकफास्ट। ऑलराइट, हमें यहाँ पर रोहतांग से जाने वाला जो रास्ता है, अगर मैं ढंग से दिख रहा हूँ तो, पूछा किसी ने, उसके बीच में हम रुके थे अभी खाना वाना खाने के लिए, और बर्फ वाले पहाड़ जो है वो आने स्टार्ट हो गए हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो भाई, बहुत ही ठंडी हवा रही है, इसलिए आप जब भी आए यहाँ पर तो अपना पूरा बंदोबस्त करके आए। यस, एकदम सही है, यहाँ बहुत ठंडा है। अभी से और ऊपर जाएंगे, हमारी जो टैक्सी है वो यहाँ खड़ी है। अब हमने कहाँ जाना है? अरे अपनी शक्ल मत दिखाओ, इनको व्यू दिखाओ, आप ये व्यू देखने आए हैं। ओके, तो भाई ये देख लो व्यू यहाँ से, ये जो बर्फ आपको दिख रही है यहाँ हमने जाना है। एंड अभी यहाँ पर कोई बर्फ नहीं है, पर ठंड बर्फ जैसी है, राइट? ये देखो, ये क्या है? एंड ये जो जगह है जहाँ हम रुके हैं, इसका क्या नाम है? मड़ी। यहाँ पे बढ़िया ब्रेकफास्ट वगैरह हो सकता है, वो वहाँ पे बने हुए। ये यहाँ पे जो मैंने आपको दिखाए हैं, यहाँ पर बढ़िया एकदम ब्रेकफास्ट हो जाता है। अब आगे चलते हैं, सो स्टे ट्यून्ड। ऐसे खतरनाक रास्तों पर ड्राइवर्स एकदम सीरियस होकर गाड़ी चलाते हैं, बट भाई जरा हमारे वाले को देखो। मनाली से रोहतांग लगभग 36 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। एंड यहाँ की रोड्स सिंगल वे होती हैं, इसलिए आते टाइम हमें दूसरा रास्ता ट्रैवल करना पड़ता है। Yeah.
आफ्टर ए टोटल ऑफ 600 किलोमीटर फ्रॉम श्री गंगानगर वी अराइव्ड एट अवर डेस्टिनेशन रोहतांग। दोस्तों पूरे रास्ते को पार करके कहाँ गए हम? देखो टाइम लगा है थोड़ा, पर जो व्यू है ना वो वर्थ इट है, घुमा के दिखाएंगे जरा। ये देखो दोस्तों लो बर्फ ही बर्फ है, देख लो हमने सूट पहन रखे हैं। हाँ पापा देखो भाई बर्फ जम गया आज। हाँ ये कर लो पहले, हमने इसकी बुकिंग कराई हुई है पूरे की, वो भी दिखाएंगे। ये देखो इसकी इनकी बुकिंग वगैरह है, यहाँ भी करेंगे। जुकाम लगे। ये देखो ये देखो ये वाली जो राइड्स हैं ये भी होती है यहाँ पर, बस आपको इसको बुक करवाना पड़ेगा पहले। अपन ने कितनी चीजें, 3 चीजें कराई है ना। अरे मैं क्या बताऊँ, मैं क्या बताऊँ। ये देखो ये ताई जी हमारी स्कीइंग करते हुए, ये तीनों बुकिंग्स में से एक है क्या? रुक जाओ फिर। हाँ क्या है? शाबाश हमारी मम्मी जी। वो आप ही लाए थे यार। हाँ भैया कैसा लग रहा है? What? चलो उधर चले, अब हम किसी के छुपके से बर्फ मारेंगे, थोड़ी सी यहाँ से निकाल लेंगे। हमारा कोई बंदा मिल जाए वो देखो हो रहा, हम उसको दिखाएंगे नहीं बर्फ। चलो चले नमस्ते। नमस्ते अरे वो तो यार आज जम जाते हैं। एक और चीज बताऊं, वैसे तो ग्लव्स लाने इतने जरूरी नहीं है, पर ले आना अगर मिले तो, हाथ ठंडे हो जाते हैं बिल्कुल, है ना। क्या है पापा जाएंगे ऐसे पूरा गाइड करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब हम तीनों रह गए। ये ऐसे चलती है। अब ऐसे जितने भी आपने बुक करवाए होंगे, पैसे लगाए होंगे, उतने आपको यहाँ मजे आएंगे। अच्छा ये देखो ताया जी भी कर रहे हैं हमारे। देखो ऐसे गिरते भी रहते हैं यहाँ पे, ऊपर ले जाएंगे फिर ऊपर से नीचे स्कीइंग करते हुए आएंगे। भाई यहाँ से ऊपर से नीचे तक जाएंगे। ये शूज जो है ना स्कीइंग वाले, ये जो इनके पास है ये 1.5 लाख के हैं, इन्होंने खुद बताया अभी अभी। ध्यान से भाई। अब पैसे पूछे मारे बिल सोचे दुनिया जट पैदा होया बस खान वास्ते। डर तो लगता है यार मेरे को, लगता है मैंने अभी तक की नहीं, अभी करूंगा। ऐसे गिर भी जाते हैं। अरे भाई पोज दे रहा भाई अपना गिर के। भाई हमारा तैयार हो गया है अगला नंबर भाई का। चलो
चलो ये गए, वो भागना पड़ेगा। बात तो सही है, दौड़ना तो पड़ता है। भाई खुद ही चला गया आगे। भाई तैयार हो रहा है अब। ये गड्डी चल पी है, सैड हो जाए सारे। अब ऐसे ऊपर जाएंगे वापस एंड हमारे सबका जितना भी स्कीन वाला था वो कंप्लीट हो चुका है। अब बाकी की एक्टिविटीज देखेंगे। ये देखो दूसरी एक्टिविटी के लिए ऐसे ऊपर जाना पड़ता है और ऐसे गिर भी जाते हैं। ठीक है समरिया, पर मजा आ रहा है। ओ देखो दोस्तों, आंटी जी रुड़ गए ने। तो ये देखो दोस्तों व्यू यहाँ से। ये देखो फोटोज के लिए क्या क्या कर रहे हैं। ये देखो ये भी होता है यहाँ पे। ये देखो वो देखो कुछ भी। तो अभी हम सारे जा रहे हैं वहां पर ऊपर। ये देखो इस बंदे का प्लान होता है सारा यही लेके जा सकते हैं वहां ऊपर तक जा रहे हैं हम। भाई ब्राइटनेस दिखा रही है यहाँ पे। ये देखो दोस्तों ऊपर तक आ गए हैं दोनों भाई। जो फीलिंग है ना वर्ड्स में नहीं बता सकते भाई, नहीं बता सकते। बर्फ खाओ दोस्तों, बर्फ खाओ। केला लाता ले लो। कैसे कितना मस्त व्यू आ रहा है, बहुत ऊपर है। कैमरे में एंगल का नहीं पता लगेगा कितनी ढलान है यहाँ पर। भाई फोन के अंदर बर्फ बर्फ हो गई है। तो भाई सारा कुछ कर कर आके हमने यहाँ पे क्या मंगाया खाने को? मैगी। और वो भी आने में आधा घंटा लगा रही है ना भाई। 13 minutes for one Maggie. This is too Maggie, bro. Yeah, bro. तो दोस्तों रोहतांग के बाद हमने ट्रैवल किया अटल टनल के लिए, क्योंकि वो ही हमें हमारी आने वाली डेस्टिनेशंस तक पहुंचाएगी। तो गाइस हम यहाँ से रोहतांग से निकल के कहाँ हैं अभी? अभी का ड्राइव थी काफी टाइम की, उसके बाद अटल टनल तक पहुंच गया। अटल टनल आप यहाँ पे देख सकते हो, बाकी आपको इसकी क्लिप्स भी देखने को मिल जाएंगी। ये देखो यहाँ सारे फोटोज खिंचवा रहे हैं एंड दिस इज द अटल टनल। तो दोस्तों अटल टनल से हम सीधे जाते हैं गुलाबा के लिए फॉर द जिप लाइनिंग। तो दोस्तों गुलाबा से निकलने के बाद हम गए सोलांग के लिए। सोलांग बस एक व्यू पॉइंट है, वहां पर कुछ खास करने को नहीं है। तो पूरा घूम फिर के हम शाम को 6 बजे तक अपने रूम में वापस आ गए एंड नेक्स्ट डे की मॉर्निंग हम वापस चल पड़े श्रीगंगानगर के लिए।
सो दैट्स इट फॉर टुडेज व्लॉग। अगर आप लोगों को इस वीडियो में मज़ा आया हो तो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल विद नोटिफिकेशन बेल टू ऑल, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।